अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा, आज के दिन हमें जो काम करना है वो होमोजेनियस इक्वेशन पे काम करना है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको हमें इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है और इसको शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले जो है हम इसको सवाल को लिख लेते हैं। तो ये x माइनस वाई और x प्लस वाई, ये dx के साथ है, dy के साथ है। क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्स माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, ये क्वेश्चन है। तो उसको देख लेते हैं। एक्स माइनस वाई dx, x plus y, dy। ये इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे आप बताएं, हम y को बदल देंगे dx के साथ और dy by dx को बदल देंगे, क्योंकि हमने देख लिया ये xt 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 t कॉमन आ रहा है, इसका मतलब होमोजेनियस इक्वेशन है। तो ये जो होमोजेनियस इक्वेशन है, ठीक है, ये हमारा इक्वेशन है। ये हमारे पास क्या है, x माइनस के, अच्छा सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक तरफ लेके आ जाना सारा को। कैसे लेके आना, आप सबसे पहले ऐसा कीजिए कि हमारे पास जो है इस वाली टर्म को उठा के यहाँ आ, एक्स प्लस वाई डी वाई माइनस के एक्स माइनस वाई डॉट डी एक्स, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में आ जाके डिवाइड में आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में आ जाके डिवाइड में आ जाएगा, यानी डी वाई बाई डी एक्स माइनस के एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है मेरा बेटा, अब आप नेक्स्ट देखेंगे क्या हो रहा है। यहाँ पे आएगा डी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, क्योंकि जहां लिखा हुआ है हमारे पर डी वाई बाई डी एक्स, वहां पे ये टर्म लिख देंगे। हमने लिख दी इज इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस के वी एक्स डिवाइड बाय एक्स प्लस के वी एक्स, ठीक है, ये टर्म आ गई हमारे पास। ठीक है बेटा, हमने क्या किया, एक्स कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया एक्स, तो ये हुआ क्या हमारे पास, ये हो गया आपके पास डी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव। हमने यहाँ पे एक्स कॉमन लिया, नीचे भी एक्स कॉमन लिया, ये ब्रैकेट बनाया, ये हो गया 1 माइनस के बी और यहाँ हो गया 1 प्लस के बी, ये पूरी टर्म कट गई। ठीक है बेटा, ये हो गया हमारे पास एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वी 1 प्लस वी, और वी को उठा के यहाँ पे ले आए माइनस के इज इक्वल टू, आपने एलसीएम ले लिया तो वी प्लस 1 लिखने का मतलब तो नहीं है, और ये हो गया हमारे पास 1 माइनस के वी माइनस के वी और वी प्लस 1 आप लिख दें, इसमें कोई ऐसा इशू वाली बात नहीं है। एक्स dv अपॉन डी एक्स, ठीक है मेरा बच्चा। अब होगा क्या, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये कॉपी हो रहा है यहाँ पे, 1 माइनस के b माइनस के b² और माइनस के ये v जो है मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो माइनस के v हो जाएगा डिवाइडेड बाय b प्लस 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास माइनस, अगर कॉमन ले लें हम तो v² प्लस 2v v² प्लस 2v
माइनस के वन, सही है, और डिवाइड बाय वी प्लस वन, सही है। और ये टर्म एज इट इज कॉपी होती जा रही है। अब मैं करता क्या हूँ, इसको आसानी के लिए ये जगह मिटा दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के वी स्क्वायर, ये का कट पिट ही सकता, वो वन माइनस वी, फिर माइनस वी हो गया, प्लस वी वहां जाके हो गया, तो यहाँ पे आ गई वैल्यू, तो माइनस के वी प्लस वन, सही है क्या? ठीक है, काटा तो वी स्क्वायर प्लस माइनस का वी स्क्वायर और माइनस के वी प्लस के वन, तो माइनस के वी स्क्वायर, चलो इसको ये भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो हम इसको अगर लिखना चाहें इसमें कि माइनस के वी स्क्वायर माइनस के टू वी प्लस के वन तो लिख सकते हैं इसमें, और डिवाइड बाय हम करते हैं इसको वी प्लस वन। ठीक है मेरा बच्चा, हम इसको अगर करना चाहें तो उसमें कर सकते हैं। अच्छा, मुझे एक डाउट कि उसको बचने के लिए मैं चाहता हूँ उसको मैं देख लूँ, एक गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये था एक्स वन माइनस वी वन प्लस वी, सही है, ओके। ये मल्टीप्लाई नहीं किया, मैं यही बोल रहा हूँ, कुछ गड़बड़ मुझे लग रही है इसमें, तो ये हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव बी। ये वाला बी जो हमने गड़बड़ कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये वाली वैल्यू आएगी बी। तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, माइनस वन माइनस के बी स्क्वायर, या बचेगा यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस के। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ये माइनस मल्टीप्लाई होगा बी से तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब हमने क्या किया यहाँ पर, कि आपके पास हो गया यहाँ पे वी प्लस वन आ गया यहाँ पर डी वी के साथ, और यहाँ पर आ गया माइनस के वी स्क्वायर प्लस के वन इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, ये हमारे वैल्यू आ गई। अब हमारे पास होगा कि हम इसको दो हिस्सों में खोलेंगे, एक हो जाएगा ये v अपॉन वन माइनस के वी स्क्वायर, ऐसा लिख दें इसको, डॉट डी वी कर दें, प्लस डी वी अपॉन वन माइनस के वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या कर दें, डी एक्स अपॉन एक्स कर दें। ठीक है, ये दो टर्म्स हमारे पास आ गए। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस का माइनस के टू वी, तो माइनस टू वी या माइनस माइनस अपॉन टू वैल्यू हो जाएगा इसके अंदर, तो जब हम इसको लॉग निकालना चाहें तो इसको सॉल्व कर देता हूँ, पूरा पूरा सॉल्व करता हूँ इसको। अच्छा बेटा, तो इसमें होगा क्या, हमारे पास वी स्क्वायर का डेरिवेटिव होना चाहिए टू वी, तो मैं इसको डायरेक्ट में इसको कर रहा हूँ, तो हम करेंगे क्या, हमने अपनी मर्जी से यहाँ पर लगाया माइनस,
यहाँ पे लगाया 2 और यहाँ लगाया 1 अपॉन माइनस के 2, अपनी मर्जी से बैलेंस किया, ये और ये कट जाएंगे तो v अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर वैलिड आ जाएगा, हमने अपनी मर्जी से लगाया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको माइनस के 1 अपॉन 2 ln 1 माइनस के v स्क्वायर, मैं यहाँ लिखता हूँ साफ करके, ठीक है, और प्लस dv अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू dx अपॉन dx, ठीक है। तो मैं जब साफ करके यहाँ लिखूंगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 ln 1 माइनस के वी स्क्वायर प्लस डीवी अपॉन 1 माइनस के वी स्क्वायर सही इज इक्वल टू dx अपॉन x, ये आएगा। अच्छा, एक तो हमने सॉल्व कर लिया, दूसरे को सॉल्व करना है। अच्छा, दूसरे के अंदर हमारे पास क्या है, 1 माइनस वी स्क्वायर है हमारे पास, ये अगर हम उसको कॉमन निकाल लें नेगेटिव को, अगर हम नेगेटिव यहाँ लगा दें तो ये हो जाएगा प्लस वी स्क्वायर माइनस सी 1। अब ये फॉर्मूला बनता है किसका, ये फॉर्मूला बनता है डी बॉक्स अपॉन बॉक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 ए एल एन बॉक्स माइनस ए अपॉन बॉक्स प्लस ऑफ ए और प्लस ऑफ सी, ये बनता है, ठीक है मेरा बेटा, ये हमारे पास जवाब बनता है इसका। तो हम जब लिखेंगे इसको तो कुछ ये लिखेंगे हमारे पास, ये सिर्फ मैं इस टर्म की बात कर रहा हूँ, यानी इक्वेशन 1 की बात कर रहा हूँ। तो हम लिखेंगे माइनस 1 अपॉन 2 ए, अब बताएं कि हमारे पास ए की जगह क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे क्योंकि ये हमारा वैल्यू क्या है, 1 है, तो ए की जगह लिखेंगे 1 एल एन बॉक्स माइनस ए वी माइनस के 1 अपॉन वी प्लस के 1, क्योंकि हमारे पास बॉक्स के अंदर क्या है, हमारे पास ये वी स्क्वायर है, वी स्क्वायर है, माइनस 1 माइनस 1, हमारे पास जो जवाब आएगा वो ये आएगा, ठीक है, प्लस ऑफ सी। तो हमारे पास इसका भी जवाब आ गया, हमारे पास इसका भी जवाब आ गया, इसका भी जवाब आ गया, इसका जवाब आखिर में क्या आएगा हमारे पास, ये हो गया एल एन एक्स प्लस ऑफ सी, तो समझ लीजिए हमारा पूरा तकरीबन जवाब आ गया, हम उसको अरेंज कर रहे हैं। अच्छा, तो उसको अरेंज करेंगे तो हमारे पास क्या जवाब आएगा, वो आएगा 1 अपॉन 2 एल एन 1 माइनस के वी स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन 2 एल एन वी माइनस 1 अपॉन वी प्लस 1 इज इक्वल टू, मैं बता दूं एल एन एक्स प्लस ऑफ सी। मगर मुन्ना प्रॉब्लम यह है हमारे पास कि वी जो बराबर है वो बराबर है वाई अपॉन एक्स के, ठीक है, तो आपने लिखा 1 अपॉन 2 एल एन वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सॉरी वन माइनस, ऐसे लिख दूं, वन अपॉन टू एल एन वाई अपॉन एक्स माइनस 1 ओवर वाई अपॉन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एल एन एक्स प्लस सी, यहाँ पर जवाब आएगा, ठीक है मेरा बेटा। थैंक यू सो मच, हमने एक और सवाल कर लिया यहाँ पे, ठीक है।